सोहेद, जब हमने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर वीडियो शूट किया था तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कन्वर्ट का क्या ऑप्शन है, काफ़ी कॉल्स भी आ रहे थे हमारे डीलरों के पास कि कन्वर्ट का क्या ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईवी रेट्रोफिटिंग एमिंग टू रिड्यूस द कंजप्शंस, रीयूज द रिसोर्सेज एंड रिसाइकिल द प्रोडक्ट्स। मतलब यही है कि आप किसी भी व्हीकल्स को, किसी भी कार्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक में। और आज हम एक ऐसी ही जगह पे हैं जहाँ पे हमारे सामने एक मारुति सुजुकी डिज़ायर कह सकते हैं लुक लाइक, तो इसको कन्वर्ट किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बताएंगे क्या प्रोसेस है, कहाँ से आप करवा सकते हैं। तो हेलो सर, कैसे आप? वेरी वेल। तो पहले अपना नाम बताइए। आसिफ। आसिफ, आसिफ जी, क्या यहाँ का मोटो क्या है आपका कंपनी का? हमारा मोटो है एज यू नो, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में और पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन रिड्यूस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना हमारा मेन एम है। अच्छा, तो किसी भी कार्स को कन्वर्ट करने का है या कुछ लिमिटेशन है? हम एसयूवी को छोड़ के सेडान और हैचबैक में किसी भी वेरिएंट को अपग्रेड कर सकते हैं कन्वर्जन करने से। अच्छा, किसी भी एसयूवी को छोड़कर? एसयूवी छोड़कर। तो अभी हमारे सामने आप मारुति सुजुकी का डिजायर, तो इसको कन्वर्ट किया गया है। तो एक गाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो सवाल आता है माइंड में, कॉस्टिंग को लेकर आता है, क्या कॉस्ट पड़ जाएगी, तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस बताइए। हम इसका आईसी इंजन निकाल के इलेक्ट्रिक इंजन इसमें फिट करते हैं, मोटर, कंट्रोलर्स, बैटरी बैक्स एंड बीएमएस। अच्छा, तो अगर बोनट में बात करें, बोनट में आपने क्या क्या प्लेस किया गया वहाँ पे? बोनट में हमारा कंट्रोलर है, मोटर पैक है और एक बैटरी है। ओके, लिथियम आयन। तो बैटरी बोनट के? नो नो, लिथियम आयन फॉर, अच्छा अच्छा, फॉर गियर नॉब स्टार्टिंग के लिए, ऑटोमेटिक गियर नॉब को ऑटोमेटिक करने के लिए। ओके 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 ओके। और क्या क्या प्रोसेस है इसको अगर बात करें इसमें? आप कुछ नहीं, आप हमारे पास व्हीकल लेकर आओगे, हम आपको किट पूरी प्रोवाइड करेंगे। तो कॉस्टिंग वेरी करेगा कार टू कार? यस, नो 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 नो, कॉस्टिंग सेम है फॉर ऑल व्हीकल्स, 3 to 4 lakh। 3 to 4 lakh? यस, चाहे वो मॉडल की बात करें, चाहे 2006 मॉडल हो, 7 मॉडल हो, 8 मॉडल, कोई भी मॉडल हो, कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी मॉडल हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कार को आप कन्वर्ट करा सकते हैं। आप हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें अपनी स्विफ्ट को कन्वर्ट करवाना है, वैगनार को, डिजायर को, तो आपके सामने एक कन्वर्टेड डिजायर यहाँ पर ऑलरेडी है। डिक्की में अगर ये बात करें कुछ है इसके अंदर? अभी कुछ भी नहीं है। और डिक्की आपको पूरा फ्री मिलेगा आपको? अच्छा, बूट स्पेस आपको पूरा फ्री मिलेगा। और अंदर से बात करें अगर फीचर्स में कुछ चेंज? सेम एग्जैक्ट आपकी जो व्हीकल का फीचर होंगे सेम एग्जैक्ट फीचर रहेंगे आपके, सिर्फ जो हमारा चेंज पॉइंट होगा वो सारा बोनट में और फ्यूल टैंक। और फ्यूल टैंक यहाँ पे अगर फ्यूल टैंक को हटा के रिमूव करके बैटरी पैक लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे चार्जिंग के लिए? चार्जिंग पॉइंट है इसका। ओके, तो चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन अपने पास क्या रहता है? फास्ट का P2 चार्जिंग। ओके, क्रिटिकल चार्जिंग। ओके, चार्जिंग स्टेशन से। और अगर आप डोमेस्टिक चार्ज करते हो 6 to 7 hours, क्रिटिकल चार्जिंग करते हो आप पावर स्टेशन से, तो मैक्सिमम वन आवर। तो फ्यूल की जगह आप यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलिए एक बार बोनट की तरफ देखते हैं, जो पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया गया है। तो ये होल सिस्टम जो है, एक बार बोनट ओपन करके देखेंगे, ये डिजायर आपके सामने कन्वर्टेड है, प्योर इलेक्ट्रिक नहीं है, प्योर इलेक्ट्रिक आपको महिंद्रा की दिखाई थी हमने, अभी हमारे सामने ये कन्वर्टेड है। तो क्या क्या सिस्टम सर कहाँ कहाँ फिट किया गया यहाँ पे? ये इसका स्मार्ट कंट्रोलर। ओके, बैटरी, वो इसकी मोटर, बाकी इसका इंटरनल सब कुछ बीएमएस और वो। अच्छा, मोटर की बात करें तो मोटर कहाँ प्लेस किया गया? ये आप देख सकते हैं, मोटर प्लेस किया गया इसके। तो नीतीश जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, वेलकम सर। या हाय, दिस इज नीतीश। ओके, आई एम सुधीर, आई एम द को-फाउंडर ऑफ द ऑक्टेवी। ओके, या हाय। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि नीतीश जी की किसी भी कार को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉस्टिंग आने वाली होती है? सी, द रिक्वायरमेंट इज लाइक व्हाट वी डू नो, लाइक वी प्रोवाइड द एंटायर किट, सो लाइक द एग्जिस्टिंग आईसी इंजन विल बी कन्वर्ट इनटू फुल्ली ईवी। ओके, सो दिस इज आवर द कॉन्सेप्ट इज। ओके, या ये हम करते हैं, हम आईसी इंजन को हम किट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोला लाइक वी हैव ए कंप्यूटर एंड एवरीथिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एंड प्रीमियम फीचर्स आल्सो, लाइक अभी हम दे रहे हैं। ये किट पड़ेगा 4 lakh, अभी प्राइस एग्जैक्टली फिक्स नहीं हुआ है, हम फिर भी कम करना चाहते हैं। द कॉस्टियर पार्ट है बैटरी है, अगर देखेंगे अगर फ्यूचर में अभी लाइक मास प्रोडक्शन हो, मतलब जैसे लोग का रेस्पॉन्स सुन के और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं रेट्रोफिट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब या
तो अगर कॉस्टिंग की बात करें तो सर किसी भी कार को कन्वर्ट करने के लिए कॉस्टिंग अप्रोक्सली यही आने वाली है 4 लाख के अराउंड, 4 लाख के आसपास, 4.3 to 4.5 व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हम जो डिसाइड किया है अभी, आप हम देखेंगे अगर मास प्रोडक्शन और इसका फीचर देख के हम बता सकते हैं कितना कम हो सकता है उतना कम में दे देंगे। ओके, तो अगर ये क्या डिपेंड करता है मॉडल पे भी, मॉडल कोई सा भी हो चाहे वो 2007 2008 2009, अभी मॉडल मतलब इसका मॉडल का प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल का हम तो इंजन निकल रहे हैं ना, लाइक वो हमारा नया किट आ जाएगा, अभी नया इंजन जैसे है अभी, अभी हम एग्जिस्टिंग गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं, वो मैनुअल गियर बॉक्स अभी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके। हमने खुद इसके ऊपर काम किया है, अभी इसके ड्राइव रहेगा, रिवर्स रहेगा, पार्किंग मोड रहेगा और इको मोड में रहेगा और पावर मोड रहेगा, सारा फीचर्स हम इसमें दिया है। अभी मैनुअल जो है आप कार वो लेके आ सकते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक का बन सकते हैं गाड़ी। ओके, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करने के बाद जो गियर बॉक्स पूरा ही चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और कॉस्टिंग की आप बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे कि कॉस्टिंग क्या होने वाले, तो 3.5 लाख to 4 लाख के अप्रोक्स इसकी जो है ओवरऑल कॉस्टिंग वाली है। तो सर ये हम सिर्फ एक सेडान में कर रहे हैं या एसयूवी में भी, हैचबैक में भी? सी अभी हम एसयूवी और हैचबैक में कर चुका है और ट्रायल भी हो हुआ है। ओके। और लॉजिस्टिक्स अभी टाटा ये छोटा हाथी और सब में ट्रायल मोड पे है, अभी एक बार ट्रायल मोड कंप्लीट हमारा को कंप्लीट एक बार कंप्लीट सेट हो गए ना, वी विल अगेन लॉन्च दैट प्रोडक्ट एज वेल। ओके, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में जो है कंपनी का नाम भी आप डाल देंगे, वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कर्नाटक की कंपनी है फिलहाल, और इनका कांटेक्ट नंबर भी डाल देंगे। सर अगर आपका कोई कांटेक्ट नंबर या वेबसाइट हो कोई, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से इंक्वायरी अगर किसी को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसी की अगर रिक्वायरमेंट हो अभी फिलहाल कन्वर्जन के लिए तो आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं अभी? वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, अभी क्या है ना हम बिजनेस मॉडल में वर्क कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट रेडी है, अभी बिजनेस मॉडल अभी क्या है ना लाइक हम तो बैंगलोर ही है, बैंगलोर से है, अगर दिल्ली में किधर भी हम काइंड ऑफ डीलरशिप देख रहे हैं जो हमारा हम किट मैन्युफैक्चर किट दे देंगे, इंस्टॉलमेंट वही होगा और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा डीलर के पास आएगा, हम मदद करेंगे, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। ओके, किधर भी गाड़ी रहते हैं ना टेलीमेट्री डाटा हमारे पास रहेगा, हम इसको ठीक करेंगे। करंटली दे आर फोकसिंग ऑन डीलरशिप मेनली, बिजनेस मॉडल में बिजनेस मॉडल। ओके, तो अगर बात करें गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी, ओके, तो सर्टिफाइड भी है, सर्टिफिकेशन आल्सो अवेलेबल। अगर बात करें सर्टिफिकेशन हम अभी अप्लाई किया है, अप्लाई किया है, टेस्टिंग सब हुआ है। ओके, अभी सर्टिफिकेशन हो गया, लाइक गवर्नमेंट अप्रूवल दिया तो लाइक हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर लग्जरी कार में बात करें उसमें भी आप लग्जरी कार प्रीमियम के उसमें भी हो जाएगा, उसकी कॉस्टिंग सेम, मतलब वही कॉस्टिंग एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी हम लिस्ट दे देंगे कौन सा कार में कितना बैठेगा, मतलब अप्रॉक्सिमेट तो बोला हूँ लाइक स्टार्टिंग हैचबैक से 3.5 to 4.5 तक हो जाए होगा, हम आपको एग्जैक्ट लिस्ट हम एक महीने में क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अगर कह सकते हैं अगर आपके पास कोई पुरानी वैगनर या सेंट कोई भी छोटी गाड़ी है जिसकी अगर कॉस्ट अभी आज के टाइम में अगर 2 लाख की होगी तो आप मान सकते हैं 5.5 से 6 लाख तक की आपको पड़ने वाली है, अगर आप उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाते हैं तो।